हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले एक बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में, गैस या ब्लोटिंग के टॉपिक के बारे में। काफी हमारे कार्डियक पेशेंट्स आते हैं जिनको हम एंजियोप्लास्टी के बाद एस्पिरिन या इस तरह के मेडिसिन देते हैं और बाद में उनको कंटिन्यूस गैस का सेंसेशन होता है, पेट फूलने लगता है, डकारें आने लगती है। हार्ट के पेशेंट में बहुत सारी कार्डियक मेडिसिन चलती है, उससे ब्लोटिंग होता है। साथ में एस्पिरिन जो चलता है वो कॉम्पोनेंट कई बार लोगों को खून पतला करने के लिए जो दिया जाता है, काफी लोगों को गैस या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम करता है। अब इसमें प्रॉब्लम हमारे लिए होती है कि ज्यादातर हम पेशेंट्स को एसिडिटी या गैस कम करने की दवा दे तो देते हैं, लेकिन रिस्पॉन्स कई बार उतना अच्छा नहीं आता। तो बेसिकली आज हम बात करेंगे टिप्स और ट्रिक्स के बारे में, किस चीजों को खाने से गैस या ब्लोटिंग का प्रॉब्लम कम हो सकता है, किस तरह के फूड्स ब्लोटिंग को कम कर सकते हैं, और लास्ट में हम बात करेंगे क्या क्या टिप्स को फॉलो करने से ब्लोटिंग और गैस का सेंसेशन को कम किया जा सकता है उस बारे में। ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है आपके लिए, इसलिए इसे पूरे एंड तक जरूर देखें। सबसे पहले शॉर्ट में टिप्स के बारे में बात करेंगे। अगर आपको सडनली अगर गैस या ब्लोटिंग का सेंसेशन हो रहा हो तो वॉक के लिए जाइए। अगर आपको तुरंत रिलीफ चाहिए तो थोड़ा लॉन्ग वॉक अगर आप करते तो उससे थोड़ा राहत मिलती है। योगा के कुछ पोजेस ट्राई कर सकते हैं, उससे भी थोड़ा गैस या ब्लोटिंग रिलीफ होने में मदद मिलती है। पेपरमिंट की गोलियां ले सकते हैं, गैस रिलीफ होने वाली कैप्सूल या गोली ले सकते हैं। पेट में एब्डोमिनल का मसाज कर सकते हैं, हल्के हाथ से पेट की मालिश कर सकते हैं, उससे गैस रिलीफ होने में मदद मिलता है। कुछ इसेंशियल ऑयल्स वगैरह यूज करने से, खाने में भी और मसाज वगैरह के लिए भी ऑयल्स वगैरह यूज करने से भी थोड़ा ब्लोटिंग के सेंसेशन को कम किया जा सकता है। कई बार अगर गैस का सेंसेशन बहुत ज्यादा हो रहा हो तो गर्म पानी से थोड़ा स्नान कर लेने से और बॉडी को रिलैक्स करने से भी कई बार गैस का सेंसेशन थोड़ा कम हो सकता है। और बात करेंगे कौन कौन से खाने से गैस या ब्लोटिंग का सेंसेशन कम हो सकता है, इसमें कुछ फ्रूट्स हैं या फूड प्रोडक्ट्स हैं जो अच्छा माना जाता है, उस बारे में बात करेंगे। एवोकाडो एक जिसे एलिगेटर नाशपाती बोलते हैं, वो न्यूट्रिशियस फूड है जिसमें विटामिन सी और के का कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, पोटेशियम इसमें अच्छा रहता है, हाई फाइबर कंटेंट है और ये ब्लोटिंग के सेंसेशन को काफी हद तक कम करता है, कॉन्स्टिपेशन को भी कम करता है। खीरा एंड कुकुम्बर, इसमें लगभग 95% वाटर कंटेंट रहता है, हाई फाइबर डाइट रहता है, ये बॉडी के डिहाइड्रेशन को कम करता है, ब्लोटिंग के सेंसेशन को काफी हद तक कम करता है। योगर्ट यानी दही, इसमें प्रोबायोटिक कंटेंट रहता है और ये बैक्टीरिया गट के हेल्थ को इम्प्रोवाइज करते हैं। तो ऐसे पेशेंट्स को अगर वो गैस वाले पेशेंट जिनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है, अगर वो दही ज्यादा लेते हैं तो वो मोशन की फ्रीक्वेंसी और उसकी कंसिस्टेंसी को भी नॉर्मल करते हैं और ब्लोटिंग सेंसेशन को काफी कम करते हैं। जिन लोगों को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह जैसे पेट की बीमारियां, उनके लिए भी दही रिकमेंडेड है। बेरीज जैसे कि स्ट्रॉबेरी, ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी, ये सब में ही एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स और मिनरल्स होते हैं और इनका फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा होता है, तो ये आपकी गट की हेल्थ को इम्प्रोवाइज करते हैं और कॉन्स्टिपेशन और ब्लोटिंग को कम करते हैं। ग्रीन टी में भी काफी एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और एक मटेरियल होता है EGCG, एपिगैलालो कैटेचिन गैलेलेट, ये बॉडी के हार्मफुल एसिड और इन्फ्लेमेशन कंटेंट को कम करता है और इसमें कंपेरेटिवली भी कुछ कैफीन भी रहता है जो गट को स्टिमुलेट करता है, तो ब्लोटिंग का कंसेंट्रेशन थोड़ा कम हो जाता है। नेक्स्ट है सेलरी यानी अजमोदा, ये एक न्यूट्रिशनल वेजिटेबल है जिसमें 95% वाटर कंटेंट रहता है, ये ज्यादातर एक नेचुरल डायबिटिक जैसा काम करता है और बॉडी के सोडियम कंटेंट्स और वाटर कंटेंट्स को थोड़ा सा हेल्प आउट करता है, जिससे कंपेरेटिव थोड़ा एसिडिटी गैस का प्रॉब्लम होने का चांस थोड़ा कम हो जाता है। जिंजर यानी अदरक एक पेट के लिए सूदिंग एजेंट की तरह से यूज हो सकता है, इसमें जिंजी बेन करके एंजाइम रहता है जो पेट के डाइजेशन में हेल्प करता है और कंपेरेटिवली पेशेंट का डाइजेशन इससे इंप्रूव होता है और ब्लोटिंग सेंसेशन कंपेरेटिवली लोगों को कम हो जाती है। एक स्वीट टी है कोम्बुचा करके, इससे इसमें स्पेसिफिकली ग्रीन टी जैसा इसको बनाया जा सकता है, इसमें प्रोबायोटिक कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है और बाकी फर्मेंटेड फूड्स की तरह ये ब्लोटिंग सेंसेशन को कंपेरेटिवली कम कर सकता है, इसमें गट हेल्थ इंप्रूवाइज होती है और लोगों को लॉन्ग टर्म ब्लोटिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स कम होती है। बनाना यानी केला, ये अपने फ्लेवर के लिए पसंद किया जाता है, ये काफी हाई फाइबर कंटेंट रहता है और गट के डाइजेशन को इम्प्रूव करता है, ब्लोटिंग को भी कम करता है और वाटर रिटेंशन जो पेट में हो जाता है उसको भी कंपेरेटिवली ये कम करता है। पपाया भी इसमें अच्छा फ्रूट माना जाता है, इसका फ्लेवर काफी स्मूथ और क्रीमी टेक्सचर रहता है, तो काफी चीजों में गार्निशिंग के तौर पर और फ्रूट सैलड वगैरह में भी इसको यूज कर सकते हैं। इसमें एक डाइजेस्टिव एंजाइम होता है जो पेपेन होता है जो अमीनो एसिड्स को ब्रेक डाउन करता है और हेल्दी डाइजेशन को हेल्प करता है, जिससे कि ब्लोटिंग का सेंसेशन कम हो जाता है। एस्पैरेगस यानी कि स्पैरोग्रास, इसमें भी फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है और दिन भर में 3 से 4 ग्राम अगर हम लेते हैं, 1 कप में इसको लेते हैं, तो
इसमें प्रोबायोटिक कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है, फाइबर कंटेंट काफी ज्यादा रहता है, बॉडी का इन्यूलिन करके एक एंजाइम ही बॉडी को प्रोवाइड करता है जिससे ब्लोटिंग और कॉन्स्टिपेशन कम हो जाता है। ओट्स को भी हार्ट डाइट ब्लोटिंग वाले पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है, इसमें फाइबर कंटेंट बहुत ज्यादा रहता है और इसमें एक बीटा ग्लूकेन करके एक फाइबर स्पेसिफिक रहता है जिसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती है, और ये जिन लोगों को इंडाइजेशन का प्रॉब्लम है, जिनको ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है, उनके लिए अच्छा माना जाता है। पाइनएप्पल में काफी विटामिन सी, मैंगनीज और बी ग्रुप की विटामिन रहती है, और एक ब्रोमेलिन करके एंजाइम रहता है जो डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स वाले पेशेंट के लिए अच्छा है और उनके पेट में ब्लोटिंग और स्वेलिंग के सेंसेशन को कम करता है। हल्दी यानी टर्मरिक, ये कॉन्डिमेंट्स में या ये एज स्पाइस ज्यादातर इंडियन फूड्स में काफी यूज किया जाता है, इसमें एंटी इंफ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज रहती है और एक कर्क्यूमिन करके एक एंजाइम रहता है जो पेट में डाइजेशन को इम्प्रूव करता है और इवन इरिटेबल बाउल सिंड्रोम वगैरह के सिम्टम्स जैसे कि गैस है, ब्लोटिंग है, कॉन्स्टिपेशन है, उसको भी ये कम करता है। क्विनो, ये एक जिन लोगों को ब्लोटिंग का सेंसेशन ज्यादा होता है उसमें एक विटामिन हाई कंटेनिंग का एक हाई फाइबर डाइट है, इसमें काफी बेनिफिशियल फाइबर्स और एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, और जिन लोग को ग्लूटेन रिलेटेड सेंसिटिविटी होती है या सीलियाक डिजीज वगैरह होती है उसमें भी ये अच्छा माना जाता है। ये ज्यादातर लोगों को उन लोगों के लिए अच्छा है जिनको पास्ता, क्रैकर्स या ब्रेड्स वगैरह खाने से या ग्लूटेन कंटेनिंग प्रोडक्ट्स खाने से जिनको ब्लोटिंग का सेंसेशन ज्यादा होता है। एप्पल्स यानी सेब को भी ब्लोटिंग के पेशेंट्स के लिए अच्छा माना जाता है, इसमें भी हाई फाइबर कंटेंट रहता है और एक सॉल्यूबल फाइबर होता है जिसे पेक्टिन बोलते हैं, ये जो कि गट के फूड का डाइजेशन को बेटर करता है और डाइजेस्टिव ट्रैक को बेटर करता है, उसमें ब्लोटिंग के सेंसेशन, कॉन्स्टिपेशन के सेंसेशन को कम करता है। रूबाब जो कि एक लीफ स्टॉक्स होते हैं, पत्तों का प्रोडक्ट जैसा होता है, इसको आप एज गार्निशिंग की तरह से यूज कर सकते हैं, सैलेड्स वगैरह में यूज कर सकते हैं, ये गट के लैग्स मूवमेंट के लिए, मोशन के मूवमेंट के लिए काफी अच्छा है, गट का लैक्सेटिव जैसा ये एक्ट करता है और इसमें हाई फाइबर कंटेंट रहता है जो कि ब्लोटिंग के सेंसेशन को कम करता है। कीवी यानी कीवी फ्रूट जो है वो उसमें भी हाई फाइबर और पोटेशियम कंटेंट रहता है और उसमें एक्टिनिडिन करके एक एंजाइम रहता है जो कि डाइजेशन को बेटर करता है और ब्लोटिंग के सेंसेशन को, पेट में दर्द को और कॉन्स्टिपेशन को बेटर करता है। पेपरमिंट टी वो एक हर्बल टी है जिसमें कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स रहते हैं जो जिन लोग को इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है या गट में सूजन का प्रॉब्लम है, कॉन्स्टिपेशन है, ब्लोटिंग है, या जिनको पेट में दर्द और स्पाजम्स का प्रॉब्लम है उनके लिए इसे अच्छा माना जाता है। हालांकि इसके कोई बड़ी स्टडीज नहीं है जो इसको सपोर्ट करती है, तो इसे यूज किया जा सकता है। सौंफ यानी फेनल, इसको काफी पेशेंट अपने इंडियन सिनेरियो में काफी ज्यादा खाने के बाद एज अ गैस या ब्लोटिंग को रिड्यूस करने के लिए यूज किया जाता है। ये कंपेरेटिवली इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट को थोड़ा रिलैक्स करता है और थोड़ा सा डायरेटिक जैसा काम करता है जो कि बॉडी में से एक्स्ट्रा यूरिन को थोड़ा निकालता है और ब्लोटिंग और एसिडिटी के सेंसेशन को थोड़ा कम करता है। अब हम बात करेंगे नॉन फूड रिलेटेड टिप्स के बारे में जिससे आप अपने ब्लोटिंग के सेंसेशन को कम कर सकते हैं। ज्यादातर ऐसा बोला गया है कि डाइजेस्टिव एंजाइम्स या इस तरह के प्रिपरेशन या प्रोबायोटिक्स जो हमारे पेट के कीटाणु के फ्लोरा को थोड़ा बेटर करते हैं जिसे प्रोबायोटिक्स बोलते हैं, ये जिन लोगों को भी ब्लोटिंग का प्रॉब्लम है उनके लिए अच्छा माना जाता है। डाइजेस्टिव एंजाइम्स लोग ले सकते हैं, कुछ लोग जिसमें फर्मेंटेबल ऑलिगोसैक्राइड्स, डाइसैक्राइड्स या मोनोसैक्राइड्स वगैरह ज्यादा रहते हैं जैसे कि बीन, डेयरी प्रोडक्ट्स और गार्लिक खाने से जो लोग को ब्लोटिंग वगैरह होता है, तो इस तरह के फूड्स को हमें कम करना चाहिए। जिस लोगों में ये फर्मेंटेबल कार्बोहाइड्रेट से अगर प्रॉब्लम हो रही है तो इसको हमें थोड़ा कम रखना चाहिए। बीन्स और लेंटिल्स वैसे तो डाइट के लिए बहुत अच्छा माना जाता है लेकिन इसमें इनडाइजेस्टिबल ऑलिगोसैक्राइड्स होते हैं तो इसमें गैस और ब्लोटिंग का सेंसेशन कम हो बढ़ सकता है। शुगर के अल्कोहल्स, क्रूसीफेरस वेजिटेबल्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जैसे बेवरेजेस हैं, सोडा ड्रिंक्स हैं या अल्कोहल है, बियर है, ये सब में कार्बोनेशन ज्यादा होता है, CO2 कंटेंट ज्यादा होता है तो ये भी ब्लोटिंग के सेंसेशन को काफी बढ़ा सकते हैं। फ्रूट्स और वेजिटेबल्स जैसे कि पत्ता गोभी है, फूल गोभी है, कैरेट्स है, एप्रिकॉट्स है, ब्रसल्स स्प्राउट्स है, ये सब में शुगर्स और स्टार्चेस रहते हैं लेकिन ये सारे चीजें ब्लोटिंग सेंसेशन को बढ़ाती है तो ज्यादा अगर इस तरह के प्रोडक्ट्स आप यूज कर रहे हैं तो कंपेरेटिवली कम कर सकते हैं। आर्टिफिशियल स्वीटनर्स में सॉर्बिटॉल को लोग यूज करते हैं, ये रेगुलर शुगर्स के बदले यूज किया जाता है लेकिन ये भी बॉडी का गैस का कंटेंट को बढ़ा सकता है और ब्लोटिंग सेंसेशन लोगों को ज्यादा हो सकता है। जिन लोगों को लैक्टोज इंटॉलरेंस है उनको डेयरी प्रोडक्ट लेने से ब्लोटिंग ज्यादा हो सकती है तो वैसे लोगों को कंपेरेटिवली दूध या उससे बने प्रोडक्ट्स कंपेरेटिवली थोड़ा कम लेना चाहिए।
होल ग्रेन्स यानी इस तरह के प्रोडक्ट्स जो हैं ग्रेन्स वगैरह, ये वैसे तो बॉडी के लिए अच्छे हैं और फाइबर कंटेंट इनका ज्यादा रहता है, लेकिन ये ज्यादा फाइबर कंटेंट अगर अब्रप्टली बहुत ज्यादा लिया जाए तो गैस, ब्लोटिंग या कॉन्स्टिपेशन जैसे प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। तो वैसे लोगों में कंपेरेटिवली इसको थोड़ा कम रखना चाहिए। खाने के टाइम आपको जिन चीजों का ध्यान रखना है कि उस समय बहुत ज्यादा गैस आप अब्सॉर्ब नहीं करें, बहुत ज्यादा गैस को आप निगले नहीं, इसलिए खाने के टाइम कोई भी सॉफ्ट ड्रिंक वगैरह को आपको स्ट्रॉ से नहीं लेना है। स्ट्रॉ से आप जब सक करते हैं तो एयर भी साथ में सक होती है। च्यूइंग गम वगैरह नहीं लेना है, कार्बोनेटेड बेवरेजेस उस टाइम पर नहीं लेना है, या कोई हार्ड कैंडी को सक नहीं करना है। ये सबसे गैस थोड़ा अब्सॉर्ब होती है पेट में और बाद में यही गैस बर्पिंग के द्वारा या ब्लोटिंग के द्वारा बाहर निकलती है। ज्यादातर आप जब भी खाना खा रहे हैं तो ज्यादा खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना चाहिए, धीरे धीरे करके चूली स्लोली फूड को चू करते हैं या धीरे धीरे इसको अगर चबाते हैं स्लोली खाते हैं तो कंपेरेटिवली गैस का अब्सॉर्प्शन कम होता है और ब्लोटिंग सेंसेशन थोड़ा कम रहता है। अच्छी नींद रखिए, रेगुलर एक्सरसाइज करिए, वो भी गट के फ्लोरा को और बॉडी के डाइजेस्टिव हेल्थ को इम्प्रोवाइज करता है। और अगर किसी को कोई ऐसी प्रॉब्लम्स है या इरिटेबल बाउल सिंड्रोम जैसी बीमारियां हैं जिसमें कि पेशेंट को न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स हो रहे हैं, ब्लोटिंग अगर बहुत ज्यादा हो रहा है, दवा से रिलीव नहीं हो रहा है, तो वैसे केस में डॉक्टर्स को कंसल्ट करने की जरूरत है। डॉक्टर्स आपको गैस अब्सॉर्ब करने के लिए कुछ प्रिपरेशन देते हैं जैसे साइमेथिकोन वगैरह देते हैं, कुछ डाइजेस्टिव एंजाइम्स देते हैं जो पेट के डाइजेशन को इम्प्रोवाइज करती हैं और गैस वगैरह के बनने को बेटर करती है, जो सैक्राइड्स हैं उसको डाइजेशन करने में हेल्प करती है। और इसके अलावा डॉक्टर्स आपको एंटासिड्स वगैरह भी देते हैं जो बॉडी के एसिड कंटेंट को थोड़ा कम करते हैं, तो ये सब चीजों से गैस का सेंसेशन को थोड़ा कम किया जा सकता है। अगर फिर भी आपको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो तो आप किसी गैस्ट्रोएंटेरोलॉजिस्ट के साथ इसको डिस्कस कर सकते हैं। पर ज्यादातर जो डाइटरी प्रिकॉशंस और जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने डिस्कस अगर आपसे किए हैं, ये सब चीजों को आप फॉलो करते हैं तो कंपेरेटिवली थोड़ा आपको ब्लोटिंग के सेंसेशन में और पेट में एसिडिटी, गैस या डकारे आने में थोड़ा राहत मिलेगा। मेरे इस चैनल का बेसिक पर्पज ये है कि हार्ट और हार्ट से रिलेटेड बीमारियां या उससे रिलेटेड जो दवाइयों से जो प्रॉब्लम्स या साइड इफेक्ट्स होते हैं उस बारे में हम पेशेंट और उसके रिलेटिव से डिस्कस करना चाहते हैं ताकि वो अपने बीमारियों के बारे में अवेयर हो सके और उस बीमारी को अच्छी तरह से समझ के उसके बारे में ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट डिसीजन में कोऑपरेट कर सके। इस बारे में इंफॉर्मेशन के लिए लोग सिर्फ डॉक्टर्स पर और अपने फ्रेंड्स पर डिपेंडेंट ना रहें, क्योंकि डॉक्टर्स कई बार टाइम कंस्ट्रेंट्स की वजह से सारी इन्फॉर्मेशन पास नहीं कर पाते और फ्रेंड्स और रिलेटिव से मिली हुई इन्फॉर्मेशन कई बार आधी सही आधी गलत भी होती है। आज के डेट में जहां लोग ज्यादातर अपने कोई भी इक्विपमेंट परचेज या कोई भी कपड़े परचेज करने से पहले या कोई भी व्हीकल परचेज करने से पहले अपने आप को एजुकेट करते हैं, सारे वीडियोज और रिव्यूज को देख के तब कोई भी परचेज करते हैं, वहां अभी भी हेल्थ केयर सेक्टर में ये ट्रेंड काफी कम है क्योंकि लोगों के पास क्वालिटी हेल्थ केयर रिलेटेड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल नहीं है। इसी तरह की इन्फॉर्मेशन पास ऑन करना हमारे चैनल का बेसिक पर्पज है। अगर आपको हमारे चैनल का कंटेंट अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको लगता है कि आपके फ्रेंड्स और रिलेटिव्स को इसी तरह की हेल्थ प्रॉब्लम्स है जिसमें ये कंटेंट उनके लिए यूजफुल हो सकता है तो ये कंटेंट का लिंक उनके साथ शेयर करें। थैंक यू।